हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल इंडियन मॉम कंचन। सो गाइस, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मीशो ब्लाउज हॉल। ये सेकंड पार्ट होगा मीशो डिजाइनर ब्लाउज का, क्योंकि मैंने एक पार्ट ऑलरेडी शेयर किया है। तो वो अगर आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप चेक कर लेना। काफी सारे अच्छे अच्छे ब्लाउजेस मैंने उसमें दिखाए हैं, आपको हेल्प मिल जाएगी। और हाँ, आप मीशो से अगर परचेस करते हो, आपने मीशो अगर डाउनलोड नहीं किया है तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप मीशो डाउनलोड कर सकते हो। अगर आपको यहाँ से परचेस नहीं करना है और आपको अगर बिजनेस करना है तो वो भी आप वहां से कर सकते हो। तो उसका क्लिप मैं ऐड कर दूंगी, आपको बिजनेस कैसे स्टार्ट करना है और आप जीरो इन्वेस्टमेंट पे बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो मीशो पे। तो उसका क्लिप आप देख लीजिए, उसके बाद मैं आपको ब्लाउजेस दिखाती हूँ कि कौन कौन से मैंने ब्लाउजेस वहाँ से परचेस किया है। और काफ़ी अच्छे ब्लाउजेस हैं, काफ़ी अच्छी क्वालिटी के ब्लाउजेस हैं। तो सारे ब्लाउजेस मैं आपको दिखा दूंगी बाद में। भी लेडीज मुझे देख रही है जो कुछ करना चाहती है, अपने लाइफ में आगे बढ़ना चाहती है, तो वो यहाँ पर बिजनेस स्टार्ट कर सकती है अपना, और कुछ भी अपने हस्बैंड से पैसे मांगने की जरूरत नहीं है उन्हें। तो चलिए पहले क्लिप देख लीजिए, बाद में आपके साथ मैं ब्लाउजेस शेयर करती हूँ। हे गाइस, सबसे पहले मैं आपको एक ऐप के बारे में बता देती हूँ जिससे आप घर बैठे कमा सकते हो और जिसमें आपको कोई भी इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, और वो है मीशो ऐप। उसका लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप उसे इंस्टॉल कर सकते हो। और इंस्टॉल हो जाने के बाद आप वहाँ पर उस पर आपका नंबर डाल के साइन अप कर सकते हो। साइन अप करने के बाद आपको इस तरह से एक ऐप ओपन हो जाएगा और उसमें आपको काफ़ी सारे प्रोडक्ट देखने के लिए मिलेंगे। गाइज, आप देख सकते हो यहाँ पर आपको घर के रिलेटेड, आपसे रिलेटेड, आपके किचन से रिलेटेड सारे प्रोडक्ट आपको यहाँ पर मिल जाएंगे देखने के लिए। आप देख सकते हो सूट, बेडशीट, सारी चीज़ें। यहाँ पर मुझे एक सूट पसंद आ गया था तो इसे मैंने ओपन किया, और इसमें आपको कलर ऑप्शन भी मिल जाएंगे। मुझे येलो कलर पसंद आ गया था, उसमें मैंने क्लिक किया, उस पर मैंने व्हाट्सएप पर शेयर किया अपने हस्बैंड के अकाउंट पर। तो ऐसे आप अपने फ्रेंड के, आप ग्रुप पे ऐसे शेयर कर सकते हो। और उसके बाद आपको डिस्क्रिप्शन शेयर करना है। डिस्क्रिप्शन शेयर हो जाने के अगर उसे ये पसंद आता है तो वो उसमें आपको कलर ऑप्शन मांगे थे, आपको कलर ऑप्शन भी उसे सेंड करना है। और अगर उसे वही कलर पसंद आता है तो आपको उसकी डिटेल जाननी है, मतलब आपको उसका साइज़ और उसका एड्रेस मांगना है उससे। बस आपको साइज़ ऐड करनी है और ऐड टू कार्ट कर देना है। ऐड टू कार्ट करने के बाद आपको राइट हैंड साइड में ऊपर कार्ड का ऑप्शन दिखेगा, उसके कार्ड का ऑप्शन को क्लिक करना है। और उसमें आपको दो ऑप्शन दिखेंगे, ऑनलाइन और कैश ऑन डिलीवरी। यहाँ पर कैश ऑन डिलीवरी मैंने कर दिया है। और कैश ऑन डिलीवरी करने के बाद आपको यहाँ पर उसका प्राइस दिखेगा 506 रुपीज़। 506 रुपीज़ आपको उसमें आपको मार्जिन भी ऐड करना है। मतलब मैंने यहाँ पर मेरा 200 मार्जिन ऐड कर दिया है, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है 706 रुपीज़। यहाँ पर मेरा 200 जो मार्जिन है वो नीचे आ गया है। अब आपको एड्रेस डिटेल डालना है। आप इस पर आपका एड्रेस भी डाल सकते हो, आपके एड्रेस पर भी ये मंगा सकते हो और आपके फ्रेंड के एड्रेस पर भी ये मंगा सकते हो। बस एड्रेस डिटेल डालने के बाद ये बाय करना है आपको, और इस तरह से आपका प्रोसीजर हो जाएगा। उसके बाद आपको अकाउंट में जाना है, और राइट हैंड साइड में आपको नीचे अकाउंट का ऑप्शन दिखेगा, अकाउंट में जाना है और उसमें आपके बैंक डिटेल डाल देनी है, अकाउंट नंबर एंड डिटेल, सारा बैंक का डिटेल आपको डाल देना है। इससे जो है आपका मार्जिन आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा, और आपका मार्जिन आपके बैंक अकाउंट में आने के लिए 15 दिन लगेंगे। उसके बाद नीचे ये माय पेमेंट का ऑप्शन आपको दिखेगा, माय पेमेंट पे क्लिक करके आप अपना पेमेंट भी देख सकते हो कि बैंक अकाउंट में मार्जिन आने के लिए 15 दिन इसीलिए लगते हैं क्योंकि इनकी 7 डेज रिटर्न पॉलिसी है। आपका अगर कोई फ्रेंड 7 डेज में रिटर्न करता है, कोई प्रोडक्ट उसको नहीं पसंद आता है और वो रिटर्न करता है, तो इसी वजह से आपको 15 दिन लगते हैं आपका मार्जिन आने के लिए। तो आप 7 डेज में ये प्रोडक्ट रिटर्न भी कर सकते हो अगर आपको नहीं पसंद आते हैं। और हाँ, यहाँ पर आप देख सकते हो कितने अच्छे अच्छे इनके प्रोडक्ट हैं, और इनके प्रोडक्ट सारे क्वालिटी के होते हैं, बिल्कुल चीप नहीं मिलते हैं आपको कोई भी प्रोडक्ट। और आप देख सकते हो यहाँ पर सारे प्रोडक्ट आपको एक ही जगह पर मिल जाएंगे, एक ही जगह पर आपको घर के सारे प्रोडक्ट मिल जाएंगे, आपके लिए मिल जाएंगे, आपके बच्चों के लिए मिल जाएंगे, किचन के लिए मिल जाएंगे, सारे प्रोडक्ट आपको एक ही जगह पर मिल जाएंगे। और आप घर बैठे इसे कमा सकते हो, सिर्फ आपको इसे शेयर करना है। तो गाइज, फर्स्ट ब्लाउज है मेरा ये काफ़ी अच्छा ब्लाउज है, मतलब प्राइस के अकॉर्डिंग। प्राइस भी मैं आपको साइड में दिखा दूंगी क्योंकि मैं इसके लिंक नहीं दे सकती हूँ आपको, तो इसका प्राइस और सारी चीज़ें मैं आपको साइड में दिखा दूंगी पिक्चर में, तो आपको दिख जाएंगे कि कितने में मुझे ये ब्लाउज पड़ा है। तो इस तरह से ये ब्लाउज है, इसमें स्लीव्स भी अटैच है, यहाँ पर आप देख सकते हो स्लीव्स भी अटैच दी है इन्होंने। अगर आप स्लीवलेस नहीं पहनना चाहते हो, अगर आप स्लीव्स अटैच करना चाहते हो तो स्लीव्स भी आप अटैच कर सकते हो उस पर। और ये प्रिंसेस लाइन ब्लाउज होते हैं इनके सारे, और इनके जो ब्लाउजेज होते हैं सारे पैडेड होते हैं, और पैड भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी का होता है, तो आपको अलग से मतलब कोई पैडेड ब्रा वगैरह पहनने की ज़रूरत नहीं है। तो काफ़ी अच्छी क्वालिटी के होते हैं इनके ब्लाउजेस सारे, और कपड़ा क्वालिटी भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है। आप देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा शाइन कर रहा है ये। तो इसमें काफ़ी सारे कलर भी अवेलेबल है, इसमें मैंने ब्लू ऑर्डर किया है, और आप देख सकते हो नेक कितना प्यारा है,
नेक पे इस तरह से डिजाइन है और यहाँ पर पर्ल है, मतलब आप क्लोज करके मैं आपको दिखा देती हूँ, तो यहाँ पर पर्ल है गोल्डन कलर के, तो बहुत ही सुंदर लगता है ये। और यहाँ पर सेम डिजाइन है जैसे नेक पे दी है वैसे ही सेम डिजाइन यहाँ पर दी है, और वहां पर भी पर्ल लगाए हुए हैं गोल्डन कलर के। तो इस तरह से इसका फ्रंट नेक है और इस तरह से इसकी फ्रंट डिजाइन है। अब बैक डिजाइन पे आते हैं, तो बैक डिजाइन कुछ इस तरह से है, और इसका जो नेक है बैक नेक वो राउंड नेक है, और यहाँ पर डोरी दी है बांधने के लिए, तो इस तरह से डोरी की क्वालिटी भी काफी ज्यादा अच्छी है। डोरी इस तरह से गोल्डन कलर की डोरी है और डोरी की क्वालिटी भी काफी ज्यादा अच्छी है गाइज। मतलब ये जो ब्लाउज है अगर आप स्टिच करवाने जाते हो तो आराम से आपको 400-500 पे करना पड़ेगा, और अलग से आपको कपड़ा लेना पड़ेगा। तो इससे अच्छा है कि आप रेडीमेड ब्लाउज ले लो, आपके कलर भी मिल जाएंगे आपकी साड़ी पर जो मैच होते हैं वो कलर भी मिल जाएंगे आपको, और काफी ज्यादा अच्छा है, क्वालिटी भी काफी ज्यादा अच्छी है, आपको पसंद आने वाली है। आपने प्राइस तो देख ही ली है इसकी, कितने कम प्राइस में मुझे मिला है, तो मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा इसकी क्वालिटी वाइज, और इसका डिजाइन काफी ज्यादा अच्छा लगा। आई होप आपको भी अच्छा लगा हो। तो ये है मेरा फर्स्ट ब्लाउज। सेकेंड ब्लाउज है ये ब्लैक कलर में है, और ब्लैक कलर इसलिए लिया है कि ब्लैक कलर किसी भी साड़ी पे सूट हो जाता है। आपके पास कोई अगर साड़ी हो उस पे आप सोच रहे हो कि कौन सा ब्लाउज ले, तो आपको ब्लैक और गोल्डन कलर का ब्लाउज तो आपके वार्डरोब में रखना ही चाहिए, तो इसी वजह से मैंने ये ब्लैक कलर लिया है। बहुत ही ज्यादा प्यारा ब्लाउज है ये, आप देख सकते हो फ्रंट नेक कुछ इस तरह से है इसका, और ये कोल्ड शोल्डर है, मतलब जो ब्लाउज है वो कोल्ड शोल्डर ब्लाउज है, और इस तरह से इसकी जो स्लीव्स है काफी ज्यादा लंबी आती है, यहाँ तक आती है, और काफी प्यारा लगता है। तो इस तरह से इसकी स्लीव्स है, और यहाँ पर भी गोटा पट्टी दी है, मतलब पाइपिंग नहीं है ये, गोटा पट्टी लगाई है यहाँ पे लास्ट में, और पूरे नेक में इन्होंने गोटा पट्टी लगाई है, और इस तरह से एम्ब्रॉयडरी वर्क किया है, तो काफी ज्यादा अच्छा लगता है। ऑफ वाइट एंड गोल्डन कलर में इनका एम्ब्रॉयडरी वर्क है, बहुत ज्यादा अच्छा है, और इसकी भी पैड की क्वालिटी काफी ज्यादा अच्छी है, मतलब बिल्कुल चीप क्वालिटी का पैड नहीं है, काफी अच्छी क्वालिटी का पैड है। और इस तरह से इसकी फ्रंट डिजाइन है। अब बैक डिजाइन मैं आपको दिखा देती हूँ, बैक तो बहुत ही ज्यादा प्यारा है, आप देख सकते हो बैक कितना ज्यादा प्यारा है, और यहाँ पर भी इन्होंने गोटा पट्टी मतलब लेस लगाई है, आप देख सकते हो कितनी प्यारी लेस है, और बहुत ही ज्यादा अच्छी यूनिक डिजाइन है इसकी पीछे से भी, तो मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा। और आप सोच रहे होंगे कि बटन तो दिख नहीं रही है, बटन कहाँ पे है, तो इसको बटन नहीं है, इसे है साइड चेन, तो यहाँ पर है साइड चेन, आप देख सकते हो बहुत ही ज्यादा अच्छी क्वालिटी की साइड चेन है, और जल्दी खराब नहीं होगी। और अगर आप साइड चेन वाले ब्लाउजर स्टिच करवाने जाते हो तो बहुत ज्यादा आपको कॉस्टली पड़ते हैं, आपको पता होगा, अगर आप स्टिच करते होंगे तो आपको पता होगा, और इस तरह के डिजाइनर ब्लाउजेस तो मिलते ही नहीं है, अगर स्टिच करवाने भी जाओगे तो वो कुछ ना कुछ टेलर गड़बड़ कर ही देगा, तो इसी वजह से आप मानो कि आपको रेडीमेड ब्लाउज ही परचेस करना चाहिए, मतलब आपकी साड़ी पे मैचिंग होता हुआ भी आपको कलर मिल जाएगा, इसमें भी काफी सारे कलर अवेलेबल है, उसमें से कोई ना कोई तो कलर आपकी साड़ी से मैच होता हुआ आपको मिल ही जाएगा। तो ये है, मैंने ब्लैक लिया हुआ है, ये भी मुझे काफी ज्यादा पसंद आया, इसके नीचे भी इस तरह से गोटा पट्टी लगाई है नीचे ब्लाउज पे यहाँ पर, तो ये भी काफी ज्यादा अच्छा लगा, और काफी अच्छी क्वालिटी का है, कपड़ा भी काफी अच्छी क्वालिटी का है, तो मुझे ये भी काफी ज्यादा अच्छा लगा। थर्ड ब्लाउज है गाइज ये मेरा, ये तो बहुत ही ज्यादा प्यारा है, मतलब इसकी जितनी भी तारीफ करूं उतनी कम है, बहुत ही ज्यादा प्यारा है, आप देख सकते हो, मतलब इसका कलर और इसकी डिजाइन और इसका फिनिशिंग मुझे काफी ज्यादा अच्छी लगी, आप देख सकते हो इस पे ना ये भी है क्रिस्टल्स लगाए हैं, ये स्टोन्स लगाए हैं, और ये क्या बोलते हैं इसे, और यहाँ पर पर्ल लगाए हैं, और काफी ज्यादा प्यारा लग रहा है इसकी डिजाइन, यहाँ पर एम्ब्रॉयडरी वर्क दिया है, नीचे से भी एम्ब्रॉयडरी वर्क किया है, यहाँ पर स्लीव जो है पूरी भरी हुई है, और स्लीव्स भी काफी अच्छी लंबी है यहाँ तक, तो मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा। इसका फ्रंट नेक कुछ इस तरह से है, और इसका बैक नेक मैं आपको दिखाती हूँ, इसका बैक नेक तो बहुत ही ज्यादा प्यारा है गाइज, मतलब बहुत बड़ा सा बैक नेक है, और बहुत ज्यादा प्यारा लगता है पहनने के बाद, तो ये इतना अच्छा लुक देता है कि मैं आपको क्या बताऊँ, मतलब आप सोच भी नहीं सकते हो ये इतने कम प्राइस में मुझे मिला है, आपने प्राइस तो साइड में देख ही ली है, तो इतने कम प्राइस में इतना अच्छा ब्लाउज और इतनी अच्छी क्वालिटी का तो आप मतलब सोच नहीं सकते हो। और यहाँ पर चार बटन दी है, आप देख सकते हो, अगर आप टेलर के पास सिलवाने जाते हो तो इतने इसमें वो दो ही बटन लगा के देगा, और उसमें गैप दिखती है, दो या तीन बटन लगा के देगा, तो इसमें चार हुक दी है और बहुत पास पास दी है, मतलब उसमें बिल्कुल गैप नहीं दिखेगा, बिल्कुल अनकंफर्टेबल फील नहीं होगा आपको, और इसकी पैड की क्वालिटी भी काफी ज्यादा अच्छी है, इसके कपड़े की क्वालिटी भी काफी ज्यादा अच्छी है, और वर्क तो आपने देख ही लिया है। अगर वर्क के लिए पूछो तो मुझे वर्क के लिए तो मैं इसे 5 में से 5 स्टार दूंगी, क्योंकि बहुत ही ज्यादा अच्छा है, और
कलर देखिए आप, इसमें भी आपको काफी सारे कलर मिल जाएंगे। मैंने पिछली बार पीच कलर ऑर्डर किया था, तो उस टाइम मुझे पिंक कलर चाहिए था, बट मुझे पीच कलर मिल गया था गलती से, तो इसी वजह से मैंने वो पीच कलर रख लिया था। तो मैंने उसके बाद फिर पिंक कलर ऑर्डर किया, तो ये बहुत ही ज्यादा कलर अच्छा आया है और मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया है। पीच कलर भी काफी ज्यादा अच्छा है। आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो इसका लिंक आपको दोबारा से बोल रही हूँ कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप चेक कर लेना। और लास्ट ब्लाउज जो है वो ये है मेरा, ये भी काफी ज्यादा यूनिक ब्लाउज है। मतलब आप देख सकते हो, आपका अगर लहंगा है या कुछ भी गोल्डन कलर का नीचे आप लहंगा पहनते हो इसके, या येल्लो कलर का लहंगा पहनते हो, तो ये बहुत ही ज्यादा सुंदर लगने वाला है आपकी येल्लो साड़ी पे, गोल्डन कलर की साड़ी पे, प्लेन साड़ी पे, रेड कलर की प्लेन साड़ी पे, बहुत ज्यादा सुंदर लगेगा। और आप प्लेन अगर शिफॉन की या जॉर्जेट की साड़ी लोगे, रेड कलर की या गोल्डन कलर की, और सिर्फ उस पर ये ब्लाउज पहन लोगे, बहुत ज्यादा हीवी लुक देने वाला है। आप कोई भी पार्टी में या आप कोई भी शादी में इसे पहन सकते हो प्लेन साड़ी के साथ भी, तो बहुत ज्यादा सुंदर है। और यहाँ पर कोल्ड शोल्डर है, बट शोल्डर का डिजाइन आप देखिए, मतलब बहुत ज्यादा यूनिक है यार, बहुत ज्यादा यूनिक है। तो इसका जो नेक है वो पत्ती की शेप में नेक है, और यहाँ पर आप देख सकते हो बहुत ही ज्यादा सुंदर डिजाइन है। एम्ब्रॉयडरी वर्क भी काफी ज्यादा फाइन किया हुआ है। ब्लाउज का जो ये है स्लीव्स है यहाँ तक आती है, और फ्रंट नेक तो आपने देख लिया कुछ इस तरह से है, फ्रंट की डिजाइन कुछ इस तरह से है। और अब बैक की डिजाइन दिखाती हूँ आपको, तो बैक तो बहुत ही ज्यादा प्यारा है, बहुत ही ज्यादा सुंदर लगा मुझे ये ब्लाउज, मतलब सबसे ज्यादा फेवरेट है मेरा ये ब्लाउज। तो ये देख सकते हो आप, और कलर कितना ज्यादा प्यारा है, मतलब आप कोई भी स्किन टोन के हो कलर आपको सूट करने ही वाला है, इतना ज्यादा प्यारा कलर है कि आपको मैं क्या बताऊँ। टोमेटो रेड कलर है ये, और मतलब मेरा फेवरेट ब्लाउज है ये। और इसमें डोरी भी दी है, आप देख सकते हो डोरी भी बांधने के लिए दी है। इसमें डोरी सिर्फ मतलब कपड़े की दी है, आप निकाल भी सकते हो इसे, अगर आपको नहीं ज़रूरत है इसकी तो आप निकाल सकते हो, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरह से ये है मेरा ब्लाउज, और इसके कपड़े की क्वालिटी भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, मतलब काफ़ी ज़्यादा अच्छी है गाइज, मैं आपको क्या बताऊँ। इतने कम प्राइस में इतना अच्छा ब्लाउज मिलना इम्पॉसिबल है, बट यहाँ पर आपको मिल जाता है काफ़ी कम प्राइस में। और मीशो ऐसा ऐप है ना, वहाँ पर आपको काफ़ी कम प्राइस में और काफ़ी अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट मिल जाते हैं। कोई भी प्रोडक्ट आप लो, घर के रिलेटेड कोई भी प्रोडक्ट आप लो, आपको बहुत कम प्राइस में मिलेंगे और बहुत ही अच्छी क्वालिटी के मिलेंगे। तो आप एक बार जरूर ट्राई करना मीशो को, अगर आपने नहीं किया है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा डाउनलोड करने का। वहां से आप मीशो डाउनलोड कर सकते हो और अपनी अर्निंग भी स्टार्ट कर सकते हो। अब बिजनेस नहीं करना है तो आप वहां से परचेस भी कर सकते हो, अगर आपको बिजनेस करना है तो आप बिजनेस भी कर सकते हो। तो ये था मेरा डिजाइनर ब्लाउजेस हॉल, और आई होप आपको पसंद आया होगा और आपके लिए हेल्पफुल भी रहा होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना अगर आपने नहीं किया है तो। और आप चाहो तो मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो, उसमें मैं प्रोडक्ट के रिव्यूज, वीडियो रिलेटेड टिप्स, वीडियोज, हॉल वीडियोज, मेकअप वीडियोज इस तरह से डालती रहती हूँ। और आप में से कोई अगर मराठी मुझे देख रहे हैं तो मेरा एक मराठी ब्लॉग चैनल भी है, तो आप चाहो तो मुझे वहाँ पर भी सब्सक्राइब कर सकते हो। दोनों चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगा, प्लस इंस्टा का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगा, आप चाहो तो मुझे वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हो। तो चलिए फिर मैं मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल, बाय।